बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब मिकी आर्थर को कोचिंग से हटाया गया तो वो दुखी क्यों थे और क्यों रो रहे थे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों मिकी आर्थर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कितना इमोशनली जुड़ गए थे ये हम देख ही सकते थे। जब पाकिस्तानी टीम हारती थी तो मिकी आर्थर बहुत ज्यादा दुखी होते थे और जब पाकिस्तानी टीम जीतती थी तो मिकी आर्थर बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। दोस्तों जब मिकी आर्थर को कोचिंग से हटाया गया तो वो दुखी हो गए थे और रोने लग पड़े थे। उन्होंने किसी के साथ बात भी नहीं की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उनका कहना था कि जिस टीम की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हुई, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, उस टीम ने मेरे साथ ऐसा किया। दोस्तों उनका मजीद कहना था कि पिछले 3 सालों से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग की मसरूफियात की वजह से, इसीलिए उनकी बीवी ने उन्हें पिछले साल छोड़ दिया था। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि मिकी आर्थर को कोचिंग से हटाने का फैसला दुरुस्त था या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मजीद ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।